एक बार सभी दोनों भुजा उठा के स्वामी श्री हरदास जी के नाम की भिक्षा हमारी चोरी में दीजिए। सभी बोलिएगा, बोलो श्री हरदास, जोर से बोलो, बोलो श्री हरदास, एक बार और बोलो, बोलो श्री हरदास। तो गुरुदेव ने कहा, फिर क्या हुआ?
तूने क्या देखा? तो शिष्य ने कहा, गुरुदेव मैंने देखा कि आप आधी रात तक तो एक चरण पे खड़े होके भजन करते रहे, फिर कुछ देर के बाद आप दोनों चरणों पे खड़े होके भजन करते रहे, और जब सुबह होने को आई तब आप बैठकर हरि का भजन करने लगे। सरकार, मेरी समझ में ये नहीं आया कि आपने पहले पैर पे एक चरण पे खड़े होके भजन किया, फिर दो चरणों पे खड़े होके भजन किया, फिर बैठ के भजन किया, ये क्रियाएं अलग अलग कैसे? इसका कारण क्या है? अंतर क्या है? गुरुदेव ने कहा, बेटा जब मैं एक चरण पे खड़े होकर भजन कर रहा था तब मैं अपने उन शिष्यों के लिए भजन कर रहा था जो केवल हमसे नाम दान लेके तो चले गए, लेकिन जो भजन नहीं करते, जो भजन नहीं करते। और गुरु का तो दायित्व है कि जिसको गुरु ने स्वीकार कर लिया उसकी जिम्मेदारी फिर गुरु अपने ऊपर ले लेते, उसका कल्याण का मार्ग तो फिर गुरु ही खोलते हैं। तो जो शिष्य उससे नामदान लेके गए, जो शिष्य उससे दीक्षा लेके गए, और दीक्षा लेने के बाद जो भजन नहीं करते हैं उनके लिए मैं भजन करता हूँ एक पैर पे खड़े होते कि ताकि उनका कल्याण होता है। फिर तूने कहा कि मैं दोनों पैरों पे खड़े होते भजन कर रहा था, वो मैं उन शिष्यों के लिए कर रहा था जो उससे दीक्षा लेके तो नहीं, लेकिन बस थोड़ा थोड़ा सा भजन जब समय मिला कर लिया, बाकी व्यर्थ की बातों में समय को देता रहा। फिर मैं उन शिष्यों के कल्याण के लिए भजन कर रहा था, शिष्य की आंखों से भजन अश्रु बहने लगे। सरकार, आप हम जैसे आदमियों के लिए इतना भजन करते हैं, इतना भजन करते हैं, जीवन भर में हो गया आप जैसे सदगुरु को प्राप्त है। तब संत भगवान ने कहा कि बेटा ये केवल मेरा ही नहीं, संसार में जितने सदगुरु हैं सब अपने शिष्य के कल्याण की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेते हैं। शिष्य भजन करे या ना करे, लेकिन जब हमने जिम्मेदारी ली है तो हमें तो उनके कल्याण का मार्ग खोलना ही पड़े, इसलिए हम अपने शिष्यों के लिए भजन कर रहे हैं। फिर उस शिष्य ने कहा, गुरुदेव एक बात तो बताओ, पहले आप एक चरण के उनके लिए भजन कर रहे थे जो दीक्षा लेने के बाद भजन नहीं करते हैं, दीक्षा लेकर काम हो गया, फिर आप दोनों पैरों पर खड़े होकर भजन कर रहे थे तो थोड़ा थोड़ा भजन कर लेते हैं, फिर आप बैठ के भजन कर रहे थे, बैठ के भजन करने का क्या प्रयोजन था? तब सद्गुरुदेव की आंखों में अश्रू आ गए, कहा, प्यारे जब मैंने दीक्षा ली थी तो मेरे सद्गुरुदेव ने यही कहा था कि देख दीक्षा तो मैं तुझे दे रहा हूँ लेकिन कल्याण तो हरि के नाम से ही होगा, जितना तू हरि के नाम का भजन करेगा उतने ही तेरे कल्याण के मार्ग खुलते जाएंगे। तो बैठ के भजन करने का मेरा भाव ये था कि जैसे मेरे शिष्य जो भजन करते हैं कुछ नहीं करते हैं उनके लिए मैं एक चरण पे खड़ा होकर भजन करता हूँ, दोनों चरणों पे खड़ा होकर भजन करता हूँ, लेकिन मैं इसलिए बैठ के भजन कर रहा था अगर मैं भजन करने लगूं तो मेरे गुरुदेव को मेरे लिए कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा, मेरे गुरुदेव को मेरे लिए एक चरण पे खड़ा नहीं होना पड़ेगा, मेरे गुरुदेव को मेरे लिए खड़े होकर भजन नहीं करना पड़ेगा। इसलिए जीवन का सार तो केवल हरि भजन में है। याद रखना प्रेमियों, हम सद्गुरुदेव को तो मानते हैं लेकिन सद्गुरुदेव को मानने से बात नहीं बनेगी, सद्गुरुदेव को मानने के साथ साथ सद्गुरुदेव की मानना अनिवार्य होता है। हम हमेशा कहते हैं सद्गुरुदेव के चरणों का आश्रय लो, चरण पकड़ो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर अपना कल्याण चाहते हो तो गुरुदेव के चरण पकड़ने से बात नहीं बनेगी जब तक गुरुदेव के आचरण को स्वीकार नहीं करोगे, आचरण को ग्रहण नहीं करोगे। इसलिए संत व्रत सब बैठे हैं, अपने हृदय में अपने गुरु गोविंद को विराजमान कर लो और कहो, सरकार हम अपनी साधना से अपने भजन से आपके काबिल नहीं बन पाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि ये साधन साधे नहीं कृपा साधे है, इसलिए आप ही कृपा पूर्वक कृपा करें और हम आपके काबिल बन पाए, ऐसी कोई जगह हमारे जीवन में कर दो कि हम भी आपके काबिल बन जाए। आओ फिर के प्रार्थना कर लो सद्गुरुदेव के चरणों में और भाव से पुकारो हमारे साथ।
आपको शोभा देता है। फिर संतों में बाबाजियों के बीच में जाके आप रात भर नाचती रहती हो, क्योंकि आपको शोभा देता है। अरे आप महारानी हो और कहा रात भर मंदिरों में जाके बाबाजियों के बीच में नाचती हो, बेसुध हो जाती हो, ये तो आपको शोभा नहीं देता। मेरा निकाह भाई का करो तो करो क्या, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, काशे से भोर खुद मेरे पति सो, मैं तो अपने पति के सर को नाचती हूँ, उनको विधाती हूँ, उनको मनाती हूँ। तो एक दासी ने कहा, महारानी फिर आप झूठ बोल रही हूँ, अरे आपका विवाह तो राणा विक्रमादित्य से साथ हुआ है, तो आप ये झूठ क्यों बोलती हो कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, काशे से भोर मुकुट मेरे पति सो, आपका विवाह हुआ है गिरधर गोपाल के साथ। मीरा ने कहा, इस प्रश्न का उत्तर तो मैं बाद में दूंगी, पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो, तुम उत्तर देना चाहती। दासियों ने कहा, महाराज जो आपके आप पूछो। तो मीरा ने कहा कि पहले तो तुम ये बताओ कि तुम सब विवाहिता हो, तुम अपने पति को क्या मानती हो, इस संसार में अपने पति को किस स्थान पर रखती हो। तो मीरा की दासियों ने कहा, महाराज हम आपकी तरह नहीं है, हमारे लिए तो हमारे पति परमेश्वर हैं, हमारे लिए हमारे पति परमेश्वर हैं। तो मीरा हंसने लगी और मीरा ने कहा, तो मैं भी कहाँ गलत कह रही हूँ, अरे तुम्हारे लिए तुम्हारा पति परमेश्वर है और मेरे लिए तो मेरा परमेश्वर ही मेरा पति है। Bye.
नामदेव जी की झोपड़ी में आग लग गई, लेकिन नामदेव जी आनंद में है, मस्ती में है, और झोपड़ी में आग लग रही है और नामदेव जी जलती हुई झोपड़ी में उस अग्नि में घी डाल रहे हैं। लो प्रभु भोग लगाओ, लो प्रभु भोग लगाओ, लो प्रभु भोग लगाओ। और उधर गांव वाले झोपड़ी में लगी हुई आग को बुझाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, पानी डाल रहे हैं, जल डाल रहे हैं। किसी ग्रामवासी ने देखा, अरे हम तो बाबा की झोपड़ी को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, पानी ला ला के अग्नि बुझाने का प्रयास कर रहे हैं, और बाबा घी डाल के और अग्नि को भड़का रहे हैं, और साथ में ये कह रहे हैं कि लो प्रभु भोग लगाओ, लो प्रभु भोग लगाओ। एक व्यक्ति ने कहा, नामदेव जी एक बात बताओ, अभी तक हमने सुना था कि आप पागल हो चुके हो प्रभु के भजन में, आपको अब सुनबुद रहा नहीं, आप पागल हो गए हो, लेकिन आज हमने देख भी लिया कि आप सचमुच पागल ही हो गए। और प्यारे, उसको चाहने वाले पागल ही तो होते हैं, और कौन होते हैं? उसको चाहने वाले पागल ही तो होते हैं। पागल कौन? जो उसको पाने की लगन में लग जाए वो पागल हो जाए। नामदेव जी मुस्कुराने लगे, अरे वाह, तुम तो मुझे पहचान गए कि मैं पागल हो गया। अच्छा बताओ तो सही, तुम्हें मैं पागल कैसे लग रहा हूं? तो उस व्यक्ति ने कहा, बाबा एक ही झोपड़ी तुम्हारे पास थी और उसमें भी आग लग गई, हम लोग मिलकर तुम्हारी झोपड़ी को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, आप घी डाल रहे हैं, घी डाल रहे। तो नामदेव जी ने कहा, प्यारे तुम्हें केवल अग्नि दिख रही है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आज इस अग्नि के रूप में मेरे श्याम सुंदर मुझ पर कृपा करने के लिए बढ़ रहे हैं। वो कहाँ नहीं है, वो कहाँ नहीं है? नामदेव जी की जलती हुई झोपड़ी को छोड़ के लोग जाने लगे, अरे कोई फायदा नहीं है बाबा की झोपड़ी बचाने, जब यही नहीं चाहते तो हम क्यों व्यक्ति में प्रयास करें। और नामदेव जी एक वृक्ष के नीचे बैठ के भजन में लीन हो गए, आनंद ले रहे। रात्रि हुई, रात्रि के बाद प्रभात हुई, और गांव वासी इकट्ठे हुए कि जरा जाकर देखे तो सही, अब तक तो नामदेव जी की झोपड़ी जल के रात हो गई होगी, अब तक तो रात हो गई होगी झोपड़ी जल के, देखे तो सही बाबा का क्या हाल है। और ग्रामवासी बाबा के नामदेव जी के पास आए और भक्त नामदेव जी को दर्शन किया, देखा क्या बाबा तो एक वृक्ष के नीचे बैठ के राधे कृष्ण जप रहे, पांडुरंग जप रहे, और जब झोपड़ी की तरफ देखा तो रात भर तो झोपड़ी धू धू करके जल रही थी, भयंकर ज्वाला, प्रचंड ज्वाला जहां उस झोपड़ी को जला रही थी, उस स्थान पर एक नई झोपड़ी तैयार थी, उस स्थान पर एक नई झोपड़ी तैयार थी। गांव वालों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि झोपड़ी रातों रात तैयार किस लिए की, और इतनी सुंदर झोपड़ी की पूरे गांव में ऐसी झोपड़ी नहीं है। आए नामदेव जी के पास गांव वाले, और गांव वाले ने पूछा, बाबा एक बात तो बताओ, आधी रात तक तेरी झोपड़ी जल रही थी, ये रातों रात तेरी झोपड़ी किसने बना दी, इतनी सुंदर झोपड़ी तेरी किसने बनाई? नामदेव जी मुस्कुरा कर कहने लगे, प्यारे मैंने कहा ना जो होता है वो तो उसी की इच्छा से होता है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, यहाँ यूं भी वाह वाह है, यूं भी वाह वाह है। बाबा बातों से बात नहीं बनेगी, कहलाओ मत, हमें बताओ रातों रात तुम्हारी झोपड़ी किसने बनाई। तो नामदेव जी ने मुस्कुराते हुए कहा, दोनों हाथ जोड़ लिए, आंखों में आंसू आ गए, अब प्यारे इतना भी नहीं जानते, अरे जिसने आग लगाई उसी ने बनाई, जिसने आग लगाई उसी ने बनाई। नतमस्तक हो गए ग्रामवासी, और याद रखना उनकी बाधा कैसे दूर नहीं होगी, जिनकी सांसों में राधा है, जिसके धड़कन में कृष्ण है, जिसके जीवन में राधा उसके जीवन में कोई बाधा नहीं आ सकती, जिसके जीवन में कृष्ण उसके जीवन में कोई विघ्न नहीं आ सकता। प्यारे बस हमारा विश्वास कमजोर पड़ जाता है, और जिस दिन ये विश्वास प्रगाढ़ हो जाए उस दिन सरकार अपने भक्तों की सेवा में तत्पर रहते हैं, उपस्थित रहते हैं। तो कमी हमारे विश्वास की है, कमी हमारे समर्पण की है। एक बार समर्पित हो जाओ और दोनों भुजा उठा के सरकार से प्रार्थना कर लो और कहो जरा भाव से, ये जो तेरी मर्जी।
श्री हरिदास। थोड़ा और जोर से बोले, थोड़ा और जोर से बोले। धार्मिक वीडियोस का आनंद लेने के लिए YouTube पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।